दिवाली का नाम सुनते ही हमारे मन में तीन ख्याल जरूर आते हैं। पहला, दिए, कैंडल, डेकोरेशन। सेकंड, खूब सारी आतिशबाजी, जो जितनी कम की जाए उतना अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और तीसरा, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और यमी यमी स्नैक्स। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। दिवाली की खूब सारी तैयारियाँ चल रही होंगी और आप सबको हम सब की तरफ से वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। प्री दिवाली पार्टी, पोस्ट दिवाली पार्टी, ये सब तो चलती रहती है। और जब भी पार्टी की बात आती है, सबसे पहला ख्याल आता है स्नैक्स में क्या बनाया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 वेजिटेरियन स्नैक्स आइडियाज, जो कि सिर्फ दिवाली ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, बच्चों की पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, आप किसी में भी बना सकते हो। और एक चीज की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आप ये स्नैक्स बनाते हो तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। सबसे पहला स्नैक्स है समोसे। अब आप बोलोगे, सुची समोसे में ऐसा क्या डिफरेंट है? तो हम थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, नॉर्मल समोसे नहीं बनाते, हम बनाते हैं पोटली वाले समोसे, जो देखने में तो बहुत ही यूनिक लगेंगे, बट जब आप उसे खाओगे तो वही ट्रेडिशनल समोसे वाली खुशबू और वही स्वाद मिलेगा। सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए मैंने तेल में क्यूमिन सीड डाला है और जिंजर डाला है। हल्का सा फ्राई करके मैंने यहाँ पे फ्रोजन पीस डाला है, तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। अगर आप रॉ पीस डाल रहे हो तो मेक श्योर कि वो अच्छे से पक जाए। ये है बॉइल्ड पोटैटोज, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। पोटैटोज मैश मत करना, पीसेस क्रंची मुँह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं समोसे में। और स्पाइसेस में मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, खूब सारा कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। फ्लेम बिल्कुल लो पे होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होने रख देंगे। अब हम बनाने वाले हैं आटा। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें फ्लेवर्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने डाला है सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और अजवाइन, और ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जब आटा इस तरह से बाइंड होने लगे, इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल इनफ है, तो हम वार्म वाटर ऐड करके बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो रेडी है, इसको 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। पूरी की साइज का आटा लेना है और बहुत ही पतला बेलना है। जितना पतला होगा समोसा उतना ही क्रंची बनेगा और अंदर तक पक जाएगा। बस मिडल में स्टफिंग रखेंगे और इसके ऑल अराउंड हल्का सा पानी लगा लेना है। और अब पोटली का शेप देने के लिए छोटे छोटे प्लीट्स करेंगे। और जब आप पोटली बना रहे हो तो मेक श्योर कि इसमें कोई भी ओपनिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो अगर ओपनिंग हुई तो इसके खुलने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हम सारे समोसे की पोटली बना लेंगे। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हर तरफ से अच्छे से कुक करेंगे ब्राउन होने तक।
नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं कॉर्न के कबाब। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कॉर्न तो उनका फेवरेट होता है और मिर्ची भी नहीं होती है तो उनको बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है, तो ये बर्थडे पार्टी इसके लिए बिल्कुल हिट है। यहाँ पे मैंने फ्रोजन कॉर्न को वार्म वाटर में सोक करके थोड़ी देर रख दिया था, ये सॉफ्ट हो गए और इससे पूरा पानी निकाल देना है, मॉइस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल कोर्स ग्राइंड करना है। मैंने इसमें जिंजर भी डाल दिया है, आप चाहो तो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो। इसमें ऐड किया है कोरिएंडर लीव्स, अनियन, कैप्सिकम, किसी भी कलर का कैप्सिकम डाल सकते हो आप, और थोड़ा सा मैश्ड पोटैटो। स्पाइसेस में डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके डालेंगे। इसके बाद मैंने ब्रेड को हल्का सा पानी में सोक करके और छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है बाइंडिंग के लिए। इसके बाद ऐड किया थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा और इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इन केस आपको लगता है कि मॉइस्चर है, पानी है, तो आप बेसन या फिर चावल का आटा ऐड कर सकते हो। ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको फ्रीज़र में रख देना है 10-15 मिनट्स के लिए ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। और ये स्क्यूअर्स है कबाब बनाने के लिए यूज़ करूँगी, इसको मैंने अराउंड 15 मिनट्स के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। इससे क्या होता है जब आप फ्राई करते हो ना तो ये बर्न नहीं होते और ब्लैक कलर के नहीं होते तो अच्छे से लगते हैं। यहाँ पे मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, बट अगर आप इसका हेल्दी ऑप्शन बनाना चाहते हो तो आप नॉर्मल टिक्की बना के तवे पे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, बट अब दिवाली है तो थोड़ा बहुत चलता है। डाइटिंग की बात हम दिवाली के बाद करेंगे। कोई भी पार्टी हो और पनीर का आइटम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और पनीर का स्नैक्स बनाने की बारी हो और पनीर टिक्का का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए पनीर टिक्का बनाते हैं, बट इसका बैटर मैं आज थोड़ा डिफरेंट वे से बना रही हूँ। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, आप चाहो तो बिग पीसेस भी रख सकते हो। साथ में मैं कट कर रही हूँ कैप्सिकम और अनियन, अनियन के सारे लेयर्स ओपन कर देंगे। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेड चिली को सोक कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अब ग्राइंड करेंगे। रेड चिली डाला है, अनियन, गार्लिक, जिंजर, थोड़ा सा कैप्सिकम और फिर इसमें दही डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। फिर ऐड करेंगे स्पाइसेस, सॉल्ट,
मैंने यहाँ पे कलर के लिए पैप्रिका डाला है, आप कश्मीरी चिली पाउडर भी डाल सकते हो और कोरिएंडर पाउडर और कसूरी मेथी। इसमें पनीर, अनियन, कैप्सिकम को डाल के अच्छे से कोट करेंगे और 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स सब्जियों में मिक्स हो जाए। अगर आपके पास क्यूअर नहीं है तो आप नॉर्मली भी पनीर पैन के ऊपर सेक लो और सर्व करते टाइम आप टूथपिक यूज कर सकते हो। दिवाली की पार्टी में छोटे मेहमानों के लिए भी तो कुछ स्पेशल बनाना जरूरी है ना, तो आज बनाते हैं बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज्जा, और वो भी थोड़ी टोकरी स्टाइल में। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लिया है। आप ग्लास यूज़ कर लो, कोई कटोरी यूज़ कर लो या फिर कुकी कटर यूज़ कर लो, और इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, बेल लेंगे, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस। आप स्टोर बॉट यूज़ कर सकते हो, घर पे पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हो। मैं यहाँ पे ये कपकेक का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ये ब्रेड रख दिया है और इसके ऊपर डाला है मोज़रेला चीज़। आप कोई भी वेजीज यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और छोटे छोटे पनीर के पीसेस यूज़ किए हैं। आप कॉर्न भी डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऑरेगानो मिक्स्ड इटालियन हर्ब ऐड करेंगे। अवन को मैंने हीट कर लिया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और अवन के प्रीहीट होने के बाद अराउंड 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको मिडिल रैक पे रख के बेक किया है। आप चेक कर लो टाइम टू टाइम, जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाए और वो ब्राउनिश वाला अच्छा सा इफ़ेक्ट आ जाए, आप इसको निकाल के और फिर बच्चों को सर्व कर सकते हो। आई होप ये सारी रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। दिवाली डेकोरेशन वीडियो आपने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज देख लो। और ये बैकड्रॉप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
और आप लोग भी बहुत सारे DIYs बना रहे हो और मेरे साथ शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना, दिवाली पे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को अपना प्यार दिखाने के लिए हम गिफ्ट देते हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तो बस समझ लो, ये दिवाली स्पेशल वीडियोस हमारा प्यार है आप सबके लिए। तो इस दिवाली अगर आप इनमें से कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे जरूर बताना और मुझे याद भी जरूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। बेल बटन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। और एक बार फिर हम सबकी तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बाय बाय।